ये कहानी बंगाल के एक मूर्तिकार की है जो मूर्तियां बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। परिवार बहुत ही ईमानदार था। जितना खर्च मूर्ति बनाने में लगता उतना ही पैसा लोगों से लेता था। इससे गांव के लोग भी खुश रहते थे। पूरा परिवार मूर्ति बनाने के काम में लगा हुआ रहता था। तरह तरह की खूबसूरत मूर्ति बनाता था। जो कोई एक बार भी मूर्ति देख ले वो मूर्ति की ओर आकर्षित हो जाता था। एक दिन की बात है, मूर्तिकार की किसी रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। उसका सारा परिवार दुख के अंधकार में चला जाता है। यही फिक्र करते हैं कि अब परिवार कैसे चलेगा। भगवान से दुआ मांगते हैं। मूर्तिकार का बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ तू चिंता मत कर, अब मैं मूर्ति बनाया करूँगा। ये सुनकर माँ को हिम्मत आई। उनका परिवार फिर से मूर्ति बनाने के काम में लग जाता है। धीरे धीरे मूर्तिकार के बेटे ने मेहनत करके और लगन से बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई, जिसे देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरे गांव में यही बोलबाला था कि ये लड़का तो अपने पिता से भी अच्छी मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाने वाली बात आग की तरह फैल गई। अब जिसे भी कोई मूर्ति चाहिए होती वो सब उसी लड़के के पास आते और सभी खुश होकर मूर्ति ले जाते, जिससे मूर्ति बनाने वाले का परिवार बहुत खुश रहने लगा और सोचते अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं। जिस जगह पर नरेश मूर्ति बनाता था रात को वहीं सो जाता था। एक बार की बात है, अचानक भगवान की मूर्ति से आवाज आने लगी, बेटा नरेश, ओ बेटा नरेश। जैसे ही नरेश ने आवाज सुनी उसकी आंख खुल जाती है और वो डर जाता है और देखता है कि सामने की मूर्ति से आवाज आ रही है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? मूर्ति में से आवाज आई, डरो मत, तू इतनी लगन और ईमानदारी से मूर्ति बनाता है, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए? ये बात सुनकर लड़के को अपने पिता की बात याद आ गई और बोला, भगवान मुझे बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं जो भी काम मेहनत और लगन से करूं मुझे सफलता मिले और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। इतना कह के वो दोबारा सो गया। सुबह जब उठा तो उसने पाया कि उसके दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे थे मूर्ति बनाने के। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने परिवार के साथ मूर्ति बनाने के काम पे लग गया।